नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका और आप देख रहे हैं सत्य खबर। क्या आपको सर्वाइकल है? क्या आपको माइग्रेन है? और क्या आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होता है? इन सब चीजों का सलूशन आज हमारे पास है, तो बने रहिए सत्य खबर के साथ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है न्यूरोथेरेपिस्ट नवल किशोर जी। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। न्यूरोथेरेपी क्या है? एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, यानी कि एक इंडियन थेरेपी है ये, और ये हमारे प्राचीन भारत में भी विद्यमान थी। जैसे कि हमारे गीता पुराण या ग्रंथों में भी इसका वर्णन कई जगह आता है, लेकिन हजारों साल की गुलामी के कारण से या आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो एलोपैथी हमारे देश में आई, इनके कारण से हमारी जो खुद की थेरेपीज थी, यानी कि हमारी खुद की जो चिकित्सा करने का तरीका था, हम वो धीरे धीरे क्या कि वो विलुप्त होती चली गई। तो उसमें न्यूरोथेरेपी भी विलुप्त हो गई। लेकिन डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो इस न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं, जनक हैं, उन्होंने ग्रंथों को अध्ययन किया और न्यूरोथेरेपी को दोबारा से जागृत करा, और आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व में न्यूरोथेरेपी को एक साइंस के हिसाब से कोरिलेट कर आज दोबारा से उसको पुनर्जन्म कर आज साइंटिफिक वे में न्यूरोथेरेपी को प्रस्तुत किया है। न्यूरोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फर्क है? न्यूरोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, जब आपको बॉन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। जैसे आपको बॉन्स की मूवमेंट नहीं हो पा रही, कोई जॉइंट जाम हो गया है, तो उसकी मूवमेंट के लिए हम फिजियोथेरेपी की हेल्प लेते हैं। और अगर आपको न्यूरो से रिलेटेड कोई दिक्कत है या नर्वस सिस्टम से कोई रिलेटेड दिक्कत है, तो उसमें न्यूरोथेरेपिस्ट ही काम करते हैं। और आपके, क्योंकि बॉडी पर सारे सभी सिस्टम्स नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, तो उन पर न्यूरोथेरेपिस्ट ही काम कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपिस्ट का हमने जान लिया आपसे, न्यूरोथेरेपिस्ट और न्यूरो सर्जरी का आप कुछ बता सकते हैं? इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, न्यूरोसर्जन क्या है, एक एलोपैथी डिपार्टमेंट का एक पार्ट है जो मॉडर्न साइंस है, और उसमें आपके किसी पार्ट पर सर्जरी की अगर जरूरत पड़ती है तो खास तौर से अगर ब्रेन की सर्जरी की बात आती है तो वो न्यूरोसर्जन का केस है। लेकिन न्यूरोथेरेपिस्ट क्या है, आपके हर बीमारी का इलाज बिना मेडिसिन के, बिना इंस्ट्रूमेंट के और बिना किसी साइड इफेक्ट के करता है। ये आपकी बॉडी के सिस्टम को नेचुरल तरीके से स्टिमुलेट करता है और आपकी बीमारी का सॉल्यूशन करता है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट में आपको कितने साल हो गए हैं? इन दिस फील्ड आपको कितने साल हो गए हैं? न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करते करते मुझे अभी 15 साल लगभग हो गए, क्योंकि 2005 में जब मैंने इस कोर्स को कंप्लीट करा था, और तब से लेकर अभी तक न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों को मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। हमें आप कुछ इस बारे में बताएं कि न्यूरोथेरेपी में क्या कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि माइग्रेन होता है, सर्वाइकल इश्यूज होता है, और साथ ही घुटनों में पेन होता है, तो एक एक करके हमें इन चीजों के बारे में बताएंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। खासतौर से आजकल जो बीमारियां समाज में आ रही हैं, वो सर्वाइकल है, नी पेन है, बैक पेन है, या पेट से रिलेटेड है, क्योंकि इन 15 सालों के अनुभव में मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल आज हर एक घर में किसी ना किसी को है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता चले आ रहा है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी सिटिंग जॉब चली गई है, हम सिटिंग जॉब पर ही काम कर रहे हैं, दिन में 8-10 घंटे बैठे रहते हैं, तो उससे आपको सर्वाइकल आएगा ही आएगा। और आप ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि सोते समय सिर के नीचे हाथ लगाकर ऐसे सोते हैं, तो इससे भी सर्वाइकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, बैक पेन, कि आपकी मूवमेंट खत्म होती चली आ रही है। अगर आप लैपटॉप के सामने काम कर रहे हैं लगातार 8 घंटे, तो आपको ना फॉरवर्ड बेंडिंग हो पा रही है, ना आपकी बैकवर्ड बेंडिंग हो पा रही है, तो इससे आपकी धीरे धीरे स्पाइन आपकी स्टिफ होती चली जाती है, और उस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत कभी झुकते हैं तो बैक पेन आ जाता है। नी पेन, हम आज जमीन पर बैठना ही भूल गए हैं, हम आज कोई भी काम जमीन पर बैठकर नहीं करते हैं। इवन आप देखेंगे, पहले के जमाने में लोग आराम से घर पर नीचे बैठकर खाना खाते थे, पूजा भी नीचे बैठकर करते थे, और पोंछा लगाते थे घर में। आजकल घर की महिलाएं पोंछा तो बिल्कुल नहीं लगाती हैं, और पोंछे भी लगाते हैं तो वो आजकल स्टैंडिंग पोंछे आ गए हैं, या पूजा भी आजकल खड़े होकर मंदिर की अलमारी में मंदिर बना देते हैं और फिर उसमें खड़े होकर पूजा करते हैं। तो नीचे बैठने के सारे काम हमारे खत्म हो गए हैं, और सुबह और तो और जब सुबह हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नीचे बैठने का काम खत्म हो गया, वो भी हमारे इंग्लिश टॉयलेट ने हमारे घर में जगह ले ली है। तो जब हमारे ये मूवमेंट नहीं होंगे जॉइंट्स,
तो ये धीरे धीरे स्टिफ होते चले जाते हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आती चली जाती है। तो नवल जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें अब झुक के काम करना बहुत जरूरी है? मतलब झुक के सारे काम करो जी, ये सब जो आपके हैंड वाइप्स आते हैं ये सब यूज करना बंद करो, फिर से उस पुराने जमाने में जाओ जहाँ आपको पोछा मारना है, जहाँ आपको अच्छे से पूजा देना है, बैठ के पूजा देना है, ये आप कहना चाहते हैं क्या? नहीं, आप देखिए, आप तरक्की करिए साइंस के साथ, आपने आपको अपडेट रखना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जब हम अगर इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हमें डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर रखनी चाहिए। आपको सर्वाइकल की मूवमेंट करनी चाहिए, सर्वाइकल की एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको वॉक जाना चाहिए, आपको डेली योगा प्राणायाम आसन ये करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करने चाहिए, इससे क्या कि आपके जॉइंट्स की एक्सरसाइज होगी और वो जाम नहीं होंगे। इन्हीं सब कामों को हमारे ये सारे काम करते थे, जब हम मोशन के लिए बैठते थे तो नीचे बैठते थे, पूजा के लिए बैठते थे तो नीचे बैठ के पूजा करते थे, खाना खाते थे तो हम नीचे बैठ के खाते थे। तो अगर हम उन सब चीजों को भूलते चले आ रहे हैं तो हमें फिर अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज लेकर आना पड़ेगा। तो दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि इन सब चीजों का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। इन सब चीजों को आप करें ताकि आपको इन सब चीजों से, जैसे कि आपको सर्वाइकल इश्यूज हैं, माइग्रेन है, इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि किस किस, मतलब जैसे घर पे जो औरतें हैं, अब तो ये सब इश्यूज हो चुके हैं, अब घर पे कैसे इन थेरेपी को आप अपना सकते हैं? हम रोज आपके पास आ नहीं पाएंगे, कुछ महिलाएं हैं कि जो आपके पास रोज नहीं आ पाएंगे, और इतने पैसे भी नहीं है सबके पास कि गरीबों के लिए भी एक थोड़े छोटे मोटे टिप्स अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, क्योंकि दिल्ली जैसे वातावरण की अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो यहाँ आपका पानी पॉल्यूटेड है, आपका एयर पॉल्यूटेड है, आप जो खाना खा रहे हैं, जो सब्जियां यूज कर रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है। तो ये तो आप मान के चलिए कि आप बीमार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम बीमारी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। उसके लिए आपका खान पीन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कि मैदे का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बच्चों को पिज्जा बर्गर चाउमीन नूडल्स ये बहुत पसंद है, और अगर आप इसमें पोषक की बात करें, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, तो इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो यानी कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो फिर बॉडी काम कैसे करेगी? दूसरा, आपकी नींद का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि हम दो दो तीन तीन बजे तक जगे रहते हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ये जो 8 घंटे की नींद, हम जो बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, और साथ में कोटेशन भी हमने पढ़ा था, सुना था और याद भी बचपन में बोला भी था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसका मतलब ये कि आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो ये हमें दो, और तीसरी चीज हमें डेली एक्सरसाइज, अगर ये तीन चीजों पर हम काम करें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। और हाँ, अगर आप बीमार हैं तो फिर न्यूरोथेरेपी की मदद जरूर लीजिए। देश भर में 2000 से ज्यादा न्यूरोथेरेपी सेंटर चल रहे हैं, दिल्ली में भी 50 से ज्यादा न्यूरोथेरेपी सेंटर हैं। तो अगर आप बीमार हैं तो न्यूरोथेरेपी की मदद लीजिए, और अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते रहते आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, ताकि आप आने वाले समय में भी स्वस्थ रह सकें। तो नवल जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, न्यूरोथेरेपी क्या है, अल्टरनेट मेडिसिन पे काम कर रही है, यानी कि वैकल्पिक चिकित्सा के तौर पे काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं इस सरकार की, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने इस तरीके की थेरेपीज के लिए आयुष मंत्रालय बनाया है। आयुष मंत्रालय केवल इन अल्टरनेट मेडिसिन पर ही काम करता है, यानी कि इसके प्रचार प्रसार में काम होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि वो लोग भी अगर सही तरीके से काम करें, अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से करें, तो वो ठीक रह सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के लिए प्रचार प्रसार के लिए हम समय समय पर फ्री कैंप का आयोजन करते हैं, देश भर में जगह जगह पर जाकर हम वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि न्यूरोथेरेपी कैसे ठीक कर सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा, जैसे अगर नाभि अगर खिसक जाए अपनी जगह से, तो उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो केवल नाभि को सेट कर न्यूरोथेरेपी बहुत सारी पेट से रिलेटेड समस्या को ठीक कर सकती है। तो न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार में हम इस तरीके के वर्कशॉप या कैंप या सेमिनार्स का आयोजन करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि वो दवाइयों की तरफ ना जाकर ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लें। तो क्या गरीब भी इन थेरेपी का लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, गरीब लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी इस थेरेपी का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में अगर मैंने कहा कि 2000 से ज्यादा सेंटर चल रहे हैं, तो इसमें से मैं अगर अनुमानित आपको बताऊं कि 1000 सेंटर तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही चल रहे हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, जहां ये आर्थिक तो
तौर पर ज्यादातर लोग कमजोर हैं उन लोगों के लिए जहां ज्यादा से ज्यादा सेंटर हमारे चल रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में भी हम लोग तीन तरीके के सेंटर चलाते हैं। एक हमारा चैरिटेबल होता है, किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी संस्था के साथ में जुड़कर चलाते हैं, जहां हम नॉमिनल 40-50 रुपए फीस लेते हैं। दूसरा, हम एक सेमी चैरिटेबल भी चलाते हैं, यानी कि हम कुछ प्राइवेट चलाते हैं जहां पर कुछ 100-150 रुपए तक की फीस होती है, और जो लोग पे कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो हमारे हाईली उसमें प्राइवेट सेक्टर में सेंटर पर जाकर इस थेरेपी का लाभ ले सकते हैं, जहां 1,000-2,000-1,500 रुपए तक की फीस रहती है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जी, आपने ये बता दिया हमें। साथ ही मैं एक और लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो बीमारियां हैं ये हर दिन आती रहती हैं जी, तो इनसे निजात कैसे पा सकते हैं, दूर कैसे रह सकते हैं, कुछ इन सब चीजों के बारे में बताया हूं। जी बिल्कुल, अगर आपको बीमार होने से बचना है, आपको बीमारी ना लगे, तो 2-3 टिप्स हैं, उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। पहली चीज कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, 15-16 गिलास पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, किडनी उनको रिमूव कर देती है। दूसरा, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि एक मिनट में एक सामान्य व्यक्ति की, एक नॉर्मल व्यक्ति 15-16 श्वास लेता है, तो ये आपकी कार्डियक रेट बिल्कुल, ब्रीदिंग रेट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो इसमें क्या कि आप चेक करिए अभी कि आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, अगर ये 13-15 के बीच में है तो यानी कि आपको लंग से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि आप खाना खाते समय पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपके द्वारा जो भी आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन हम उसको खराब कर देते हैं जब हम पानी के साथ खाना खाते समय पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये, और खड़े होकर पानी नहीं पीना, कि खड़े होकर पानी पिएंगे तो घुटने के दर्द आपको आ जाएंगे, सोते समय तकिए का इस्तेमाल करना, हाथ नहीं लगाकर सोना, तो अगर इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका घुटने भी ठीक रहेंगे, आपका लंग्स भी ठीक रहेगा और आप बीमारियों से बच सकते हैं। वेल, जाते जाते डॉक्टर हमें आप ये बता दीजिए अपने अचीवमेंट्स के बारे में, हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए, और आप प्लीज बताइए। इस 15 साल के अनुभव में हमने बहुत हजारों हजार पेशेंट देखे हैं। अगर आप कभी सेंटर विजिट करेंगे तो हमारे यहाँ 5,000 कार्ड नंबर चल रहे हैं, यानी कि हमने 5,000 लोगों को, रजिस्टर्ड पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है। दूसरा, जब मैंने न्यूरोथेरेपी की शुरुआत करी थी 2005 में, तो इस कोर्स को करते करते न्यूरोथेरेपी में पहला गोल्ड मेडल जो था दिल्ली में वो मैं लेकर आया, कि न्यूरोथेरेपी के कोर्स को पूरे देश भर में लोग करते हैं, सीखते हैं, तो न्यूरोथेरेपी में गोल्ड मेडल हमारी तरफ से हमारे सेंटर को मिला। 3 बार नेशनल अवार्ड हमारे सेंटर को मिला है, यानी कि हमने ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को ठीक करा है कि जो एलोपैथी डॉक्टर्स ने जहां मना कर दिया था कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, और हजारों लोगों को हमने ट्रेंड कराया है कि न्यूरोथेरेपी को समझाया है वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, फ्री कैंप के माध्यम से। तो आज न्यूरोथेरेपी से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सेवा फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं न्यूरोथेरेपी, और लोग इसको आजीविका के तौर पर भी अपना रहे हैं और देश में स्वास्थ्य लाभ भी दे रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये थे हमारे साथ न्यूरोथेरेपिस्ट नवल किशोर जी। वेल, आपको ये सब चीजें जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप आप ये सब चीजें फॉलो अप करेंगे। वेल, इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सत्य खबर। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।